है मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ। है मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। तूने मुझे उत्पन्न किया है, हे मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचानने पर तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। तूने मुझे उत्पन्न किया। बाइबल का ज्ञान एक डब, एक फैक्टा, एक गॉडली वर्ड आई इस सिंबॉलिक वर्ड से और यीशु मसीह को दे गई। यीशु मसीह, इसमें ज्ञान क्या है? इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणामय, दयामय होगा। तो दया और करुणा की शिक्षा इसमें दी गई। और इसमें आपको मालूम ही है, यीशु मसीह को जब सूली दी जा रही थी, कीलें ठोकी जा रही थी, एक तख्ते से बांध दिया गया, एक कैलवरी के हिल्स पर एक कैदी ईसा आए और एक कैदी दूसरा आया जिसने बहुत सारे कत्ल किए थे, चोरी की थी, डाके मारे थे। जूडा किंड एक जनरल सभा होती है, उसमें जूरी बैठी और जूरी से कहा, आज दो अपराधी आए हैं, किसको दंड पहले दिया जाए, क्योंकि हमारे राज्य में एक दिन में एक को मृत्यु दंड दिया जाता है। तो दोनों का सुनाया गया अपराध। ईसा का अपराध यह था, वो अपने आप को भगवान का बेटा कहता है, और दूसरे का अपराध यह था, उसने बहुत सारे कत्ल किए हैं, टाके मारे हैं, बच्चों के गले रेत किए हैं, बच्चों को किडनैप किया है, बहुत सारे अपराध किए हैं। तो सब जूरी ने और सारी जनता ने कहा, इसका अपराध बहुत संगीन है, लेकिन इसे आज जेल में डाल दिया जाए। ईसा का अपराध बहुत ही उससे ज़्यादा संगीन है, ये अपने आप को बरगलाता है, लोगों को धोखा देता है, ईश्वर का बेटा बताता है, इसको आज और अभी इसी समय तख्ता मंगाया जाए, उससे बांधा जाए, कीलों से ठोककर इसको मार दिया जाए, आज ही अभी हमारे सामने ही। राजा ने पूछा ईसा से, क्या तुम अपने आप को भगवान का बेटा कहते हो? जी, मैं भगवान का बेटा हूँ। फिर जनता ने कहा कि नहीं, ये तो जोसेफ बढ़ई का बेटा है। तो राजा ने कहा, अच्छा जोसेफ बढ़ई को बुलाइए। जोसेफ बढ़ई को बुलाया गया, पूछा गया कि आपका बेटा है? उन्होंने कहा, मेरा बेटा है। फिर ईसा से पूछा गया, ये तुम्हारे पिता हैं? यह है, पर तुम्हें कैसे कहते हो कि ये मैं ईश्वर का बेटा हूँ? तब यीशु मसीह ने कहा, हे राजन, तेरे भी दो पिता हैं। हर व्यक्ति के दो पिता होते हैं, एक शरीर का और एक आत्मा का। ये जो जोसेफ है मेरे शरीर के पिता है, लेकिन मेरी आत्मा का पिता परमेश्वर है, परमात्मा है। किसी ने नहीं माना, गलत कहता है, ये झूठ बोलता है, ये जोसेफ का बेटा है, परमात्मा का नहीं है। और उसी समय तख्ता मंगाया गया, उसे बांधा गया रस्ते से, और बड़ी बड़ी कीलें मंगाई गई, हथौड़े मंगाए गए, और किलर्स ने उसे हथौड़ों से मार मार कर वहाँ पर मारा। और जब वो मारा जा रहे थे तो प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा, तू इन्हें माफ कर दे, तो मुझे सूली दे रहे, क्योंकि ये तो अबोध और अज्ञानी है, ये अपराधी नहीं है, इन्हें ज्ञान ही नहीं है आत्मा का, इनके माता पिता और इनके शिक्षकों ने आत्मा का बोध ही नहीं कराया, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, इनका कौन सा अपराध है? इनका कोई अपराध नहीं है। भगवान ने कहा, यीशु तो ठीक कहता है, इनका कोई दोष नहीं है, ये तो निर्दोष है, ये अपराधी नहीं है, ये अज्ञानी है। तो उन्होंने परमात्मा ने सबको माफ कर दिया, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, और ये सारे लोग यीशु मसीह के भक्त बन गए। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे लिए, और हमने उसे मार डाला,
इन लोगों ने इस मनुष्य की शिक्षाओं को सारी दुनिया में फैलाया, तो ऐसा करुणा का पाठ उन्होंने पढ़ाया। मोहम्मद साहब 14 वर्षों तक मौत के साए में जिए मक्का में, और उन्हें कबील बड़े बड़े कबीलों के सरदार मारना चाहते थे, क्योंकि वो गरीबों की हिमायत करते थे। ये जो कबीले होते थे बड़े बड़े बारबरस जंगली ट्राइब्स, ये गरीब लोगों को सताते थे। उनको 10 रुपये उधार दे दें तो 10 रुपये ब्याज मांगते थे, और वो 20 रुपये न दे पाए तो 20 रुपये जुर्माना लगा के 40 रुपये कर देते थे, और 40 न दे पाए तो उसको उनकी बहू बेटियां ले जाती, उनके पशुओं को ले जाती, उनके बच्चों को ले जाते, उनके साथ बदसलूकी करते, तरह तरह के जुल्म करते। मोहम्मद साहब उसका विरोध करते थे। ये कबीलों के सरदार कहते थे, तुमने कौन सा ठेका लिया है सबकी मदद करने का, तो ये मारना चाहते थे। एक दिन जब कातिल मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे, ये रात को छिपकर मक्के से मदीने चले गए। मदीने तक किलर्स ने पीछा किया, इनके कुछ साथी थे वो अभी सीने चले गए, मोहम्मद साहब अकेले रह गए। तब उन्हें खुदा का पैगाम मिला कि मोहम्मद हम तुम्हारे साथ हैं, हमने 7,500 वर्ष पूर्व राम को मदद की थी, रावण से युद्ध कराया था और उसका विनाश कराया था, क्योंकि वो अपराधी था, वो अमर्यादित था, और हमने दुर्योधन जो अन्यायी राजा था उसका विनाश कृष्ण से करवाया 5,000 वर्ष पूर्व, और अब हम तुम्हें 1400 वर्ष पूर्व हम तुमसे कहते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम इनके साथ युद्ध करो। तब उन्होंने तलवार उठाई, तब उन्होंने युद्ध किया उन कबीलों के साथ, और वो विजयी हुए। उन्होंने साबित किया कि ये धरती के इंसान एक खुदा के बंदे हैं, खुदा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल हम मुसलमानों के रब नहीं है, ये तो रब्बुल आलमीन है, इस पूरी सृष्टि के बनाने वाला अल्लाह है, एक खुदा के बंदे हैं, दुनिया के इंसान भाई भाई हैं, कोई भाई किसी को न सताए, ये तालीम कुरान शरीफ की है। तो कुरान शरीफ हमें नफरत नहीं सिखाती, कुरान शरीफ हमें मोहब्बत सिखाती है, सारी किताबें मोहब्बत सिखाती है। द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग मेन। और ये जितने भी रिलीजन है ये प्रोग्रेसिव है। जैसे रामायण में लिखा है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर दोमानी, तब तब प्रभु धरे। जैसे गीता में लिखा है यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान से यम्य और परित्राण साधुनाम विनाशाच दुष्टताम धर्म संस्थापना था ये संभवाम युगे युगे, हम युग युग में आएंगे। तो ये क्या है, ये प्रोग्रेसिवली रिवील करता है परमात्मा। प्रोग्रेसिव रिवॉल्यूशन रिलीजियस ट्रुथ रिवील्ड बाई गॉड प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम थ्रू ए सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर एंड द टीचिंग आर टेलर्ड टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड प्लेसेस ऑफ देयर अपीयरेंस। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग, इनमें कोई त्रुटि नहीं है, एंड कलेक्टेड विजडम परमात्मा ने दिव्य बुद्धिमत्ता इकट्ठी की। जब से सृष्टि बनी तब से लेके 5,000 वर्ष तक की बुद्धिमत्ता इसमें आ गई, 2,500 वर्ष तक की बुद्धिमत्ता त्रिपिटक में आ गई, 2,000 वर्ष तक की जितनी भी बुद्धिमत्ता थी इंक्लूडिंग भगवत गीता और बुद्ध की 2,000 वर्ष पूर्व गीता में आ गई, इसमें बाइबल में आ गई, 14 वर्ष पूर्व तक की जितनी भी बुद्धिमत्ता थी होली कुरान शरीफ में आ गई, और 550 वर्ष पूर्व तक की जितनी बुद्धिमत्ता थी गुरु ग्रंथ साहब में आ गई, और 200 वर्ष पूर्व तक की जितनी बुद्धिमत्ता थी वो भाई किताब में आ गई। तो ये जो है सारी बुद्धिमत्ताएं, ये प्रोग्रेसिव रिवॉल्यूशन, प्रोग्रेसिव रिवॉल्यूशन इन रिलीजियस ट्रुथ इज रिवील्ड बाय वन गॉड प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम थ्रू ए सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर्स एंड द टीचिंग आर टेलर टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड प्लेसेस ऑफ देयर अपीयरेंस। ये धर्म एक है और धर्म के मानी एक ही है, इन शिक्षाओं को एक परमात्मा की इनको जानना और इन पर चलना, यही हमारे स्कूल की प्रार्थना है। आई बेयर विटनेस टू माय गॉड थाउ हैज क्रिएटेड मी टू नो दी, तुझे जानने के माने तेरी शिक्षाओं को जानने के लिए, एंड टू वर्शिप दी दैट मीन्स ओबे दी, यानी राम की मर्यादा
कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, बाहुल्ला की एक, इस सारे गुण हमारे बच्चों में आए। यहाँ पर यही बताया गया है, ये एक बालक बैठा है स्कूल में, इसे हमें क्या देना है, दिव्य लोक का ज्ञान। तो राम की मर्यादा, अब राम का चित्र नहीं है, उसका कारण है ये रिवील्ड बुक से। परमात्मा ने राम को कोई दिव्य पुस्तक रिवील नहीं की, उनको तो ज्ञान दिया मर्यादा का, इसलिए। और इनकी इनके ऊपर जब राम की मृत्यु के 7000 वर्ष के बाद, यानी आज से 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उनके ऊपर एक नामा लिखी गई, तुलसीदास जी लिखी। लेकिन ये किताबों में और किताब में फर्क है, ये किताबें अनएरिंग है, कलेक्टेड विजडम है, परमात्मा की भेजी, और ये किताब परमात्मा की भेजी हुई नहीं है, ये किताब एक संत की लिखी है। इस किताब में जितनी भी वाणियां हैं ये सब हमारी इन सब किताबों की शिक्षाओं से मेल खाती है, गीता से, त्रिपिटक से, बाइबल से, कुरान से, गुरु ग्रंथ साहब से, भाई शिक्षाओं से, सबसे मेल खाती है। लेकिन एक इसमें तालीम है जो मेल नहीं खाती, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिवील्ड बुक्स आर अनरिंग, इसमें त्रुटि हो सकती है। अब त्रुटि क्या है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गमार अशिक्षित लोग, तो सारे अवतार तो अशिक्षित थे, इनमें से कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट का सुने, हाई स्कूल प्राइमरी में नहीं था, कोई स्कूल ही नहीं था, तो ये सभी स्वयं अशिक्षित। ढोल गमार और शूद्र, तो ये तो भगवान बुद्ध ने कहा शूद्र अशुद्ध तो कोई होता ही नहीं, वर्ण सवर्ण और ढोल गमार शुद्ध पशु, पशु तो हमारे बहुत काम आते हैं, गाय हमें दूध देती है, बकरी दूध देती है, गाय का बछड़ा हमारे खेत जोतता है बड़े होकर, तो उससे हमारे गेहूं पैदा होता है, उसे हम खाते हैं, तो क्या ताड़ना के अधिकारी। और नारी, किसने इन सब अवतारों को जन्म दिया, हम सबको जन्म दिया, जन्मदात्री है, क्या वो प्रताड़ना की अधिकारी है। पुरुष सारे अपराध करता है ज्यादा से ज्यादा, नारी तो उतना अपराध भी नहीं करती, तो फिर नारी को क्यों प्रताड़ित किया जाए। तो इसमें है ढोल गमार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये शिक्षा जो है ये तुलसीदास जी की रामायण में कैसे आई, मुझे इसमें बहुत ही बहुत लोगों से 30-40 वर्षों से मैंने सैकड़ों लोगों से पूछा, संत और महात्माओं से, ऋषि मुनियों से, बद्रीनाथ केदारनाथ कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहाँ मैं न गया हूँ, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी मैंने इसके बारे में पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला था। ये बस एक उत्तर मिल गया मुझे, ये अनएरिंग है, ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग एंड कलेक्टेड विजडम, ये त्रुटि रहित है और संग्रहित ज्ञान है परमात्मा का, और जो रिवील्ड नहीं है उसमें त्रुटि हो सकती है, तो त्रुटि पूर्ण है, इसमें त्रुटि है। ये त्रुटि तो इसलिए कोई भी संत महात्मा की वाणी हो उसको मानिए, लेकिन पहले देख लीजिए कि गीता की शिक्षा के अनुकूल है, यदि त्रिपिटक और बाइबल और कुरान और गुरु ग्रंथ और किताब एक दस के अनुकूल है तो आप बिल्कुल मानिए, उस संत की वाणी बिल्कुल सही है, लेकिन इन किताबों से मेल नहीं खाती तो इसके मानी वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें त्रुटि है। तो प्रिय मित्रों, ये इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चा बैठा है बाल्यावस्था से ही, क्योंकि देखिए ए चाइल्ड इज अ होप इन द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, इस दुनिया की आशा एक बालक है। मैं आपको ये बताऊं कि देखिए यहाँ एक छोटा सा मेरे पास तार है, इस तार का आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं, इस तार में से प्लास्टिक को उतार दें तो इसमें लोहे का वायर होगा, उसकी भी फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है इसकी आप फोटो नहीं ले सकते।
City Montessori School Films and Radio Division is organizing the 9th International Children's Film Festival, CMS-ICFF, from the 5th to the 13th of April 2017, an effort towards promoting the Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, One People, One World, a crucial step towards child welfare through the medium of cinema. गाली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने हाथ उठाने की क्या जरूरत थी, हैं? गीता दीदी तो इतना थक जाती हैं कि क्लास में ही सो जाती है। By God, पढ़ाई पे तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हैं। स्कूल में गीता दीदी को सर मरद मरद बोल के चिढ़ाते हैं। Great, and for the audience, before we go any further, let me tell you this is Suhani Bhatnagar with me, who acted the younger sister Babita in Dangal. And here we have the, as I said just now, the real life Babita over here with us. At the International Children's Film Festival, the 9th ICFF at CMS Lucknow. So coming to a film festival of children's films in particular, how was it? What's the experience like for you? It was an amazing experience. So first time I'm going to any children's or any festival. So it was very very nice experience, and I think I just got to learn a lot from these movies and short films. And I think children's, it is a very nice idea to promote children movies in the industry, and I think a children movie should be treated as a normal feature film. So I think it is a very nice idea to promote children and to be interactive amongst each other. And I think the people over here also are very nice, and are also met so many good people, and so it was very nice experience, and I enjoyed a lot. So all right, and was there anything for you to learn by any chance, like Dr. Gandhi, the founder manager of this organization, and someone who mooted the idea of a children's film festival? He thinks films can offer a lot to children to learn. Yeah, I think children's can learn a lot from these films which we saw today, and I think the idea of these films are only to, you know, emphasize on promoting the children's in whatever fields they want to go. And I think these films also give a very important message to the society, to bring a change in the society, which I just loved. And I think the whole festival is very well organized, and I'm just amazed to see such good films for children, and I just feel that they can do a lot more in this particular thing. Suhani, and we all know that yes, cinema can make an impact. Do you think you can bring about an impact and change too in the society, for children for that matter, through cinema? Yeah, I think Mukesh sir is also trying to bring a change in the mindset of the people, that from the time all the people think, the producers also think that children's movie can't do much business and stuff. So I think it's time to prove them all wrong, and I think children's movie can do much, much, much better than a normal feature film, and it gives a very good. It gives a very good impact on children, and the and gives a message, has a story, has an impact. And I think it is very important, not only for children, for adults and all the society people, to, you know, so they see it and they, you know, understand the problems and understand the society better. And let's talk about your journey from the school ground to the Dangal ka Maidan. Yeah, actually, I was doing modeling for 2.5 years in Delhi only.
And then I got a call that we are keeping this auditions for a film with Aamir Khan. So that time I was so excited. I said, I have to do this. I want to do this. And so we went to the auditions and I just shot some scenes and I was selected then. And then afterwards we had some sessions with Aamir sir to see that do we look familiar, do I look his daughter. Made us learn Haryanvi, and for 6 months only we were practicing and try to get that accent of Haryanvi, and later on which helped us in the film as well. So now I can speak a little bit of Haryanvi with that accent. Right now I just finished with my examinations, and right now I think I'm trying to focus on my studies bit. But if I get some opportunities like Dangal, where I get to work with good people, I would definitely do it. But talks are going on. My parents are talking to some people. I get some film offers, but I'm waiting for some nice opportunities. But for the time being, till I'm trying to focus on the studies only. Oh, what a professional I have with me. Oh, yes, I'm waiting for some good opportunities. Something like Dangal, I'll definitely do. Yes, that's the way to go. Suhani Bhatnagar, the Wanda from the child actor Wanda from the blockbuster Dangal. Suhani on her life and career yet and to be Dangal and beyond. Studies, Dangal and beyond. Suhani at the on the first day of 9th ICFF. Thank you, Suhani. Thank you so much. City Montessori School Films and Radio Division is organizing the 9th International Children's Film Festival, CMS-ICFF, from the 5th to the 13th of April 2017, an effort towards promoting the Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, One People, One World, a crucial step towards child welfare through the medium of cinema. Until a couple of years back, if students wanted to be something, that was an engineer, a doctor, and the like, only for a few years, acting has become the new buzzword, along with so many other professions. Talking of acting, at this very moment, I have a young actor with me on day 3 of the 9th International Children's Film Festival at City Montessori School, Lucknow, LDA campus, Kanpur Road campus, where we have this festival going on. The young actor in question here is Riya Shukla. Ji haan, bahut bahut shukriya aapka. Thank you once again, because second time bhi hum aaye hue the yahan par aur wahi sari yaadein, wahi sari memories fir se ek baar repeat hui, so it means a lot for me. So thank you so much aapka bhi khaas karke. Aur main apne bare mein batana chahungi ki jis tarah aap logo ko next year meri movie dekhne ko mili Nilbatti Sannata, usme बहुत खुशी के साथ आप सबके प्यार के साथ ये कहना चाहूँगी कि इस बार मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और मेरी नेक्स्ट मूवी आने वाली है सन 75 एंड हिचकी फ्रॉम जो है आई थिंक 2017 के लास्ट तक आई थिंक आ जाए अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो. तो ये रिया ने प्रेजेंट और फ्यूचर बता दिया बहुत जल्दी से कुछ शब्दों में. हाँ, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा मोतियों की माला अगर जोड़ दी जाए ना तो वो एक बड़ा सा हार बन जाती हैं. बस ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश है और इतने सारे चीज़ों में मैं यही आप सबका सपोर्ट चाहूँगी, आप सबका प्यार चाहूँगी. और जब ये मूवी हमारी रिलीज़ हो हिचकी, एजुकेशन पे रिलेटेड है ये, तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब पूरे पूरा स्कूल, CMS स्कूल खास करके, ये तो वर्ल्ड फेमस है, आप सब देखें. और आई होप कि आप लोग इसे अपने कॉलेज में दिखाएं, बच्चों को मोटिवेट करें और इट्स गुड. बस कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल फिल्मों की बात करते हैं हम यहाँ पर. हालांकि मुझे हिचकी का सब्जेक्ट नहीं मालूम, लेकिन जब आपने मोटिवेशन की बात की, फिल्मों के माध्यम से मोटिवेशन, यही पर्पस है इस चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का. आपको क्या लगता है CMS इस पर्पस को कितना हासिल कर पा रहा है? हम ये इस बात पे हमने नेक्स्ट ईयर भी बात की थी. और ये जो एक प्रोजेक्ट आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को उठाया है,
it was my side, it was phenomenal. Because आज की जनरेशन में बच्चे खास करके, बच्चों का क्या है कि वो लोग इसे ऑब्ज़र्व करते समय मूवी से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं. कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी चीज़ें हो, वो सबसे पहले देखिए, अरे ये स्टाइल कॉपी कर, ये स्टाइल करते हैं, उन्होंने इस तरह से डायलॉग बोला है, उस तरह से इंग्लिश पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. ये बहुत मैटर करता है. और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स को लेके मूवीज़ दिखाई जाती हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, बट उनका सेंस बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चों को, वो लोग इंटरेस्टेड हैं. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोगों ने अपना रखी है. और जो बच्चे आ रहे हैं, सच में मैं चाहूँगी जितने भी बच्चे आप और भी जोड़ सकें, क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनके नाम तक लोग नहीं जानते, वो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, काश CMS में जाते, वहाँ की मूवी देखते. बिकॉज़ मैं जब आई थी, जब स्कूल से आई थी, जब फर्स्ट टाइम हम लोगों को बुलाया गया, आई वॉज़ लाइक हम CMS में हैं. ऐसी फीलिंग थी हमारी कि हम CMS में हैं. और आज CMS में एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं, तो आप, मैं नहीं सोच सकती कि ऐसा कुछ, वो सारी चीज़ें चेंज होके मैं पीछे बैठ के बच्चों के साथ ग्राउंड में कि ये मूवी देखा हमने, ये देखा, और फिर डायरेक्टली आगे आके अब बैठ के वही सारी मूवीज़, वही सारी चीज़ें सीखना. तो अभी भी वही सारी एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ जाती है, मूवी देखने को मिल रही है, आज इसमें कुछ नया मिलेगा. तो वो जो नया मिलने वाली बात है ना, वो इस मूवीज़ में, मोटिवेशन मूवीज़ में आपकी रहती हैं. तो ये सारे बच्चों के लिए एक आप लोगों का गिफ्ट है. गॉड ने आपको जो ये चीज़ नवाजी है कि आप बच्चों तक और टीचर्स तक और बड़ों तक पहुँचाएँ, नॉलेज दें, ये किसी भी चीज़ से बहुत बड़ी है. तो मैं आप लोगों की खास करके शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे बच्चों को बुलाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, और उन्हें इतनी प्यार से ढोल नगाड़ों के साथ आप प्रेजेंट करते हैं. बस यही है कि जितने भी हो सकें आप ऐसे ही ये काम करते रहें. और मैं चाहूँगी CMS वर्ड क्या पूरे प्लानेट पे पूरी तरह से फैल जाए. और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, सॉरी, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह CMS हर जगह फैला हुआ है, उस तरह मैं चाहती हूँ कि छोटे बच्चों को भी स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, जो छोटे तबके से, छोटे घर से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते, बट उनका दिल होता है, उनके अंदर वो गट्स हैं, टैलेंट है, वो बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं अपना. तो मैं चाहूँगी उन लोगों को भी ना, ज़्यादातर सही, बट एक एग्ज़ाम आप ऐसा ऑर्गेनाइज कराएं कि बच्चों को मिले, आपके स्कूल में पढ़ने का मौका मिले. क्योंकि जन्नत, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए जन्नत CMS इंटरनेशनल स्कूल है. रिचा, आपके विचारों का रिया बहुत बहुत स्वागत है. और फिल्म फेस्टिवल में आने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं.